बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अब कहानी नंबर 6 इत्तफाक की बरकत पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 102 पर दी गई है। आपने कहानी को गौर से पढ़ना है और समझना है। समधू एक गरीब किसान था। इसके पास सिर्फ 2 बैल थे। इन ही को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते थक जाता तो बैलों को थान पर बांधकर लंबी तान कर सो जाता। ना वक्त पर पानी पिलाता, ना पेट भरकर चारा खिलाता। दोनों बैल दिन ब दिन लागर होते जा रहे थे, मगर समधू को परवाह न थी। एक रात बैलों ने सोचा कि यहाँ रहे तो सूख सूख कर मर जाएंगे, बेहतर है कि समधू को छोड़ें और जंगल से रिश्ता जोड़ें। चुनाचे उन्होंने दांतों से अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की राह ली। जंगल की आज़ाद फिजा और घास की कसरत देखकर खुश हो गए। खूब पेट भरकर खाया और पांव फैलाकर सो रहे। इसी तरह एक महीने गुजर गए और दोनों बैल 2 सांड बन गए। इनके लिए हर दिन ईद और हर रात शब्बे बारात थी। एक दिन एक भूला भटका शेर इधर निकल आया। 2 मोटे ताज़े बैल देखे, खुश हो गया और लगा दहाड़ने। बैल भी शेर को देखकर डकारे और अपने सींग लहराते हुए मुकाबले को तैयार हो गए। शेर जस्ट लगाता तो दोनों बैल इसे सींगों पर लेते। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। आखिर शेर का सारा जिस्म जख्मी हो गया और बाल बाल से खून रिसने लगा। इसने मुकाबला छोड़ा और चुपचाप एक तरफ को खिसक गया। बैलों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घास से पेट भरा और एक दरख्त के साए में लेट कर सो गए। अगले दिन आँख खुली तो बदन को झड़झड़ा कर उठे, अपने सींगों की तारीफ की कि अल्लाह ने कैसा अच्छा हथियार दिया है कि शेर को अपनी शेरी ही भूल गई। अब कहीं पड़ा सिसक रहा होगा। अगर हम में इत्तफाक ना होता और दोनों मिलकर मुकाबला ना करते तो शेर एक एक की बोटी तोड़कर खा जाते। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि इत्तफाक में बरकत है। हम सबको इत्तफाक से रहना चाहिए। इसलिए आप इस कहानी को आपने गौर से पढ़ना है और ज़हन नशीन करना है।